भी दो जानेमन, रहने भी दो। जोगिंदर जिस लड़की के गले में हाथ पहना देता है वो उसे तब तक नहीं उतार सकती जब तक वो जोगिंदर की बाहों में नहीं आ जाए। और अमर एक बार जिसकी गर्दन पकड़ लेता है उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका भूत उतार नहीं देता। इसका मतलब है वो लोग मोहब्बत में इतनी दूर जा चुके हैं। दूर? सर दूर तो बहुत नजदीक है, ये लोग दूर से भी बहुत दूर जा चुके हैं। आहा, जब दोनों सामने बैठे थे तो ऐसा लग रहा था मोहब्बत के दो कबूतर सामने बैठे हूँ। वाह, जब बातें कर रहे थे तो ऐसा लग रहा था कि सलीम और कली को मोहब्बत की गीत सुना रहा हूँ। अरे वाह, कि तुम नहीं हो तो खुमो सागर और मीना क्या है, रस्म में खाना निभा लेते हैं पीना क्या है, हम बरसती हुई बूंदों में जले हैं बरसों, हमसे पूछे कोई सावन का महीना क्या है। नालायक, इतने लंबे लंबे शेर याद कर लेता है, काम की बात याद नहीं रहती। हाँ तो जो मेरे मतलब की बात होती है मैं याद रख लेता हूँ, मैं को फुल टाइम भुलक्कड़ थोड़ी हूँ, मैं तो पार्ट टाइम भुलक्कड़ हूँ। ठीक है जाओ अब यहाँ से। जाऊँ कहाँ, मेरे को पूरी कहानी सुनानी है। अरे भाई पूरी कहानी मैं उसी से सुन लूंगा जिसने मोहब्बत की दुनिया आबाद की है। चलो अगर वो आपको मिलेगा कहाँ। अरे मिल जाएगा यार, तुम बैठो ना यहाँ। क्यों रे छुपे हुए बदमाश, अरे तुम यहाँ कब आए? आधा घंटा पहले। यहाँ बैठकर हमारी बातें सुनते तुमको शर्म नहीं आती है? चलो घूम जाओ। अरे ऐसे कैसे चलो घूम जाओ, तुम हमारे घर में आकर हमारी बातें छुपकर नहीं सुन रहे थे? मैं कब सुन रहा हूँ? अरे भाई झगड़ा बंद, बैठ जाओ। चलो पहले ये बताओ तुमने ये सब बातें मुझसे क्यों छुपाई? हाँ अरे तुमसे कहाँ छुपी हुई है भाई, तुम्हें तो सब कुछ पहले से ही मालूम है। मुझे 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 पहले से मालूम? लो लो लो, उस दिन मेरे हाथ की रेखाएं देखकर नहीं बताया था कि मुझे इस शहर में एक खूबसूरत लड़की मिलेगी जो मेरी जीवन साथी बन जाएगी? बड़ा स्मार्ट है यार तू भी। खैर तूने अपनी नई जिंदगी बसा ली, मेरे लिए यही खुशी की बात है यार। मेरा हाथ देखो ना सर। एक मिनट ज्ञानेश्वर, एक मिनट। लड़की के माँ बाप से मिले? खैर लड़की के माँ बाप से कब मिला रहा यार? बाप नहीं है सिर्फ माँ है। हाँ माँ जी, आप फौरन अपने फर्ज का कर्ज उतार दीजिए, मैं अपने दोस्त अमर का रिश्ता आपकी बेटी के लिए मांगने आया हूँ। अमर? वो आपके घर में सांप पकड़े नहीं आया? धीरे धीरे। अच्छा बोलो, आपके घर में सांप पकड़ने नहीं आया? वॉल्यूम बराबर। अच्छा वो एक दूसरे से बहुत प्यार करते हैं और उन दोनों की जोड़ी इस शहर में एक मिसाल बनकर रहेगी। अगर इन दोनों की शादी हो जाए तो आपको कोई एतराज तो नहीं? एतराज? मुझ गरीब विधवा की झोली में दुनिया की दौलत डालकर आप पूछते हैं मुझे एतराज तो नहीं? मेरी बेटी को अमर जैसा जीवन साथी मिल जाए तो समझिए मैंने जीते जी स्वर्ग पा लिया, और मुझे क्या चाहिए? मिठाई करा, मिठाई ये लीजिए, मुंह मीठा कीजिए। चलो घूम जाओ। ये सब ले गई। बताओ जिसको देखो अपनी माँ शोका के गले में हाथ डाल के चला जा रहा है। चार दिनों में उस उम्र को आए हुए उसने प्यार भी कर लिया, गाना भी गा लिया, शादी का इजहार भी कर लिया। एक मैं हूं, मुद्दसों से सुने था मैं मर रहा हूं। शादी तो एक तरफ, प्यार का एक शब्द नहीं बोला, गाना नहीं गाया। लगता है मैं सड़ जाऊंगा, मेरा कुछ नहीं होने वाला। मैं सिगरेट पीऊंगा यार, बस सड़ गया हूं बिल्कुल। ये क्या चीज है? ये सिगरेट है? तू मेरी तरह मुरझाई क्यों है ऐसे? सिगरेट है क्या? सांप है? तेरे को सीधा करने के लिए क्या बीन बजाऊं? माचिस, माचिस कभी? ओ भाई साहब माचिस देना। ओ ज्ञानेश्वर साहब, ना तो मैं भाई साहब हूं और ना मेरे पास माचिस है। ये आवाज कहीं सुनी हुई लगती है। अरे तुम, तुम्हारा नाम क्या? सुनीता। हाँ सुनीता। और ये क्या चक्कर है, ये सिगरेट क्यों पी जा रही है? क्या करूं, तने तनहा जिंदगी से बेजार, एक लड़की से किया प्यार, उससे मिला ना इकरार, ना बनी वो दिलदार, बस ये सिगरेट है वफादार, वो भी है बलदार। ओ कवि महाराज साहब, आप एक डॉक्टर हैं और डॉक्टर लोगों की सेहत बनाता है, और आप है कि अपनी सेहत बिगाड़ने पर तुले हैं। मत पियो, बुरी बात है। सिगरेट नहीं पीऊंगा तो क्या जहर पीऊंगा? मेरी जिंदगी में रखा क्या करने के लिए? एक शर्त में सिगरेट नहीं पीऊंगा। क्या? तुम हो ना? हाँ हाँ, क्या फोन करना है? फांसी लगानी है? अरे यार शादी करनी है। शादी? हाँ, तुम अगर मेरे साथ शादी नहीं करोगी तो मैं दिन में हजार सिगरेट पी पी के धुआं बन के उड़ जाऊंगा। तुम मालूम मेरे खोपड़ी कितनी खराब है? नहीं नहीं, अगर मैं शादी करूंगी तो सिर्फ तुमसे। एक बार फिर बोलो।
सच। सच? हमने सोचा था कि स्टेडियम के प्रोजेक्ट में कम से कम हमें 10 करोड़ रुपए से ऊपर की आमदनी होगी, लेकिन इस इंजीनियर के बच्चे ने हमारे सारे अरमानों को मट्टी में मिला दिया। ये सब क्या है? ये तुम्हारे पाप की मिट्टी है, जिसके कारण आज कुछ गरीब मजदूरों की जिंदगी में दुख, गम और मौत भर गए। क्या बक रहे हो? उठो और चलकर देखो। प्रोजेक्ट के एक हिस्से की छत गिरने से 3 मजदूरों की मौत हो गई और बहुत से आदमी जख्मी हो गए, और इसके लिए तुम दोनों जिम्मेदार हो। इतने बड़े प्रोजेक्ट में ये छोटे मोटे हाथ से होते रहते हैं, इस बार आसमान सर पर उठाने की क्या जरूरत है? हाँ, इसके लिए हम कैसे जिम्मेदार हो सकते हैं? ज्यादा बनने की कोशिश मत करो ठाकुर, मैं तुम दोनों के हर अकाउंट के बारे में सब कुछ जानता हूँ। सरकार की सीमेंट चुरा कर ब्लैक में बेचते हो, और उसके बाद खटिया मिलावट वाली सीमेंट इस्तेमाल करके भारत का सबसे बड़ा स्टेडियम बनाने जा रहे हो, और लोगों की जाने खतरे में डाल रहे हो। तुम हम पर झूठा इल्जाम लगा रहे हो। हाथ कंगन को आरसी की क्या जरूरत है? कल ही ये सीमेंट लेबोरेटरी में भेज कर दूध का दूध और पानी का पानी कर देता हूँ। अरे अमर बाबू, अरे इन लफड़ों में पढ़ने की क्या जरूरत है? 10 लाख 15 लाख 20 लाख 50 लाख ले लो। शट अप! मैं एक मजदूर माँ का बेटा हूँ, और उस माँ की कसम खा के कहता हूँ कि मैं इन मजदूरों के खून का बदला लेकर ही रहूंगा। बहुत मजा आया ना मम्मी? हाँ, पिक्चर अच्छी थी। वाह रे बढ़िया, वाह क्या बेटी पैदा की है, बिल्कुल चुलबुली और चिकनी 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 रे। जरा भेज देना अपने साथ। काउंट्रोल, ये देखा? जाने दे बेटी, ऐसे कमीनों के मुंह नहीं लगते। अरे बिल्कुल सही कहा बुढ़िया, में मुंह मत लगना, गले तो लग जाओ। चल। अरे गुरु, एक तो साली ने सैंडल दिखाया, ऊपर से थुक के चले गई। हाँ गुरु। चशी, जाएगी का ये। अरे फंस गई है। ये भी दो जाने मन, रहने भी दो। जोगिंदर जिस लड़की के गले में हाथ पहना देता है, वो उसे तब तक नहीं उतार सकती जब तक वो जोगिंदर की बाहों में नहीं आ जाए। और अमर एक बार जिसकी गर्दन पकड़ लेता है, उसको तब तक नहीं छोड़ता जब तक उसका भूत उतार नहीं देता। सफर हाथ से जल्द बाला मारो। कौन है? जोगिंदर? अरे ये क्या हो गया तुम्हें? तुम्हारी हालत किसने बनाई? मैंने बनाई है गजेंद्र। तुम्हारा बेटा भी तुम्हारे ही नक्शे कदम पर चल रहा है। बाप सरकारी कॉन्ट्रैक्टर के भेष में सरकारी माल लूट रहा है,
और बेटा जमाने के जोश में लड़कियों की इज्जत लूट रहा है। बहुत अच्छे, बहुत अच्छा धंधा खोला है बाप बेटे ने मिलकर। हाँ तुम सिर्फ सरकारी नौकर हो, सरकार नहीं हो। थाने के मामले में मुंह मरेगा तो तेरा मुंह छील कर तेरे चेहरे से अलग कर दूंगा। और तू भी अपनी शैतान की कोख से जन्मी अपनी सौलाद को समझा दे। अगर इसने मेरी मंगेतर आशा पर बुरी नजर डाली तो मैं इसकी आंखें निकाल लूंगा। आशा? ये आशा कौन है? अरे पार्टनर, आशा उसी मास्टरनी उषा की बेटी है जिसे जवानी में तुमने उठाया था और उसने कसकर तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ मारा था। तो उस बेटी की बेटी के लिए इसने हमारे बेटे पर हाथ उठाया है? ए ठाकुर, अपनी जबान को लगाम दे। एक माँ समान देवी का अपमान करोगे तो हलक की जमीन से जबान उखाड़ लूंगा। अच्छा, उस माँ समान समझने लगे हो? लगता है इंजीनियर करते करते गरीबी करने लगे हो। क्या बोला तू? गजेंद्र सिंह, एक बात अच्छी तरह से समझ ले, तेरे पाप का पिटारा भर चुका है। बहुत जल्द तू फांसी पर चढ़ने वाला है और तेरे साथ तेरा ये पार्टनर मदन लाल भी, क्योंकि तुम लोग खूनी हो, कातिल हो। तुमने इंजीनियर मोहन और सुपरवाइजर सुंदर लाल का खून किया है और उसका सबूत और चश्मदीद गवाह मेरे पास मौजूद है। याद रखना।